हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास विथ उपेंद्र कुमार सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम भागवत विद्यापीठ छपरा। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नंबर सिस्टम फॉर क्लास नाइन्थ। आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले जो है, द सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। यानी कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम जो होगा वो हमेशा इरेशनल होगा। जैसे 4 + √2, तो यहाँ पर 4 जो है वो रेशनल नंबर है और √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। वैसे ही √5 + 3, तो √5 जो है वो इरेशनल नंबर हुआ और 3 जो है वो रेशनल नंबर हुआ। तो सम ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल। नेक्स्ट, द डिफरेंस, द प्रोडक्ट, द कोसेंट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल्स, 4 - √2, 4 इज अ रेशनल नंबर एंड √2 इज एन इरेशनल नंबर। हियर द डिफरेंस ऑफ 4 एंड √2 इज इरेशनल। 4 √3, तो 4 इज रेशनल एंड √3 इज इरेशनल। √7 / 5, तो √7 इज इरेशनल एंड 5 इज रेशनल। नाउ, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। बट हियर समथिंग डिफरेंट, द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट टू बी एन इरेशनल। अर्थात यह जरूरी नहीं है कि टू इरेशनल नंबर्स का सम इरेशनल हो, टू इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस इरेशनल हो, टू इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर हो, टू इरेशनल नंबर्स का कोशेंट इरेशनल नंबर हो। आई एग्जांपल में देखते हैं, 4 + √2 जो कि एक इरेशनल नंबर हुआ एंड 4 - √2 भी इरेशनल नंबर है, इन दोनों का सम निकालते हैं। तो 4 + √2 + 4 - √2, तो √2 और - √2 कट हो जाएगा और इस तरह से 4 + 4 = 8, तो 8 जो है वो रेशनल नंबर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 4 + √2 √3 - 4 + √3, तो 2 + √3 - 4 + √3 इज इक्वल टू 2 + √3 - 4 - √3। तो यहाँ +√3 और - √3 कट जाएगा और 2 - 4 यानी कि -2, जो कि -2 भी एक रेशनल नंबर हुआ। वैसे ही 4 √3 × √27, तो 4 √3 × 27 इक्वल टू 4 √81, और 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर √9 होगा, तो 4 × 9 = 36, यहाँ भी एक रेशनल नंबर हो गया। वैसे ही √8 / √4 हम डिवाइड करेंगे तो फाइनली √4 होगा और √4 का स्क्वायर √2 होगा। तो हम लोगों ने अभी ये देखा कि टू इरेशनल नंबर्स का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट जो है वो रेशनल नंबर भी हो रहा है। अब रेशनलाइजेशन, तो डियर स्टूडेंट, रेशनलाइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है, और यह प्रॉपर्टी हमें आगे भी हमारे लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होगी। तो रेशनलाइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इरेशनल डिनोमिनेटर ऑफ ए नंबर इज कन्वर्टिंग इनटू अ रेशनल डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ सुटेबल नंबर। यानी कि रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें इरेशनल डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। एग्जांपल्स हैं, 1/√3,
तो यहाँ डिनोमिनेटर जो है रूट थ्री, जो कि आप देख रहे हैं कि ई रेशनल नंबर है, तो इस रूट थ्री को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ डिनोमिनेटर से नहीं, इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो वन इंटू रूट थ्री इक्वल टू रूट थ्री, और नीचे में रूट थ्री इंटू रूट थ्री इक्वल टू थ्री हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि वन बाई रूट थ्री जो है, जो कि जिसका डिनोमिनेटर रूट थ्री ई रेशनल था, यह रेशनलाइज होगा, रूट थ्री बाई थ्री हो गया, जिसका डिनोमिनेटर थ्री हुआ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 21/2√3। तो यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके डिनोमिनेटर जो है 2√3 है, इसको 2√3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और केवल रूट थ्री से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से रूट थ्री से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 21√3, और नीचे में 2 × √3 × √3 हो जाएगा, और फिर 3 से जो है 21 7 टाइम्स में कट जा रहा है, तो फाइनली 7√3/2 जो है यह रेशनलाइज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है 2/√5 − √3। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नीचे में एक सूटेबल नंबर्स लेंगे, जिससे कि यह a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हो जाए। और हम सब जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ का जो डिनोमिनेटर दिख रहा है वो √5 − √3 है, तो इसको √5 + √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर में जो न्यूमरेटर होगा वो 2 × √5 + √3, और नीचे में चूंकि a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √5 − √3 हो जा रहा है। इसको फिर सॉल्व आगे करेंगे तो √5 2 होगा, और √3 2 3 हो जाएगा। इस तरह से फिर 5 − 3 = 2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर फाइनली 5 √5 + √3। ओके, तो यहाँ फिर ध्यान देंगे कि जब a माइनस बी या a प्लस बी के फॉर्म में हो, तो उसके जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे। सुटेबल नंबर ये हो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में डिनोमिनेटर हो जाए, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर कर हम लोग स्क्वायर रूट को रिप्लेस करेंगे। ओके, आइए देखते हैं इसके रेस्पेक्ट में एक्सरसाइज नंबर 1.5। तो 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड ई रेशनल नंबर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 − √5। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड ई रेशनल। तो पहले ही हम लोगों ने प्रॉपर्टी को पढ़ा है, उसके आधार पर आप इसको बता सकते हैं कि क्या है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आप एक दो स्टेप सॉल्व करके देन इसका रिप्लाई दीजिएगा कि यह रेशनल है या ई रेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका सेकेंड है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एज एक्सप्रेशंस। तो यहाँ सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने में जैसे कि देख रहा है पहला क्वेश्चन जो है 3 + √3 × 2 + √2, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेकेंड इसका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे है, आप उस पर तोड़िएगा। थर्ड a प्लस बी द होल स्क्वायर पे है, इसको तोड़ेंगे। फोर्थ वैसे ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम टू कंट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो इसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग पाई का वैल्यू लेते हैं वह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। पाई का मेजरमेंट करते हैं हम लोग थ्रेडिंग से, सॉरी सर्किल का जो मेजरमेंट करते हैं थ्रेडिंग से, वो भी एग्जैक्ट नहीं होता है। तो यहाँ कोई कंट्रडिक्शन नहीं है सरकमफेरेंस और डायमीटर को लेकर, कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो पाई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को।
सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश एक्स को, एंड टुक ए बी इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर ऑन इट, और उस पर हम लोग ए बी ले लेंगे 9.3 सेंटीमीटर के बराबर। ऑल्सो उस आगे हम लोग एक्स डैश एक्स लाइन से बी सी को कट करेंगे 1 सेंटीमीटर को, उसके बाद ए बी का मिड पॉइंट हम लोग ओ लेंगे, टेकन ओ एज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सॉरी ए सी का मिड पॉइंट। उसके बाद ओ को सेंटर लेते हुए और ओ ए को रेडियस लेते हुए एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। देन हम लोग बी पॉइंट पर बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि सेमी सर्किल को डी पॉइंट पर कट करेगा। तो देन बी डी जो है वो रूट अंडर 9.3 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद बी को सेंटर लेते हुए एंड बी डी को रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन को ई पॉइंट पर कट करेगा। इस तरह से बी ई जो होगा वो बी डी के बराबर होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रेडियाई ऑफ एन आर्क आर इक्वल, और इस तरह से बी ई जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रूट अंडर 9.3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग स्टार्टिंग में ही रेशनलाइजेशन सीखे हैं, उस प्रोसेस को अप्लाई करते हुए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। इस तरह से बेटा आपका एक्सरसाइज नंबर 1.5 जो हुआ ये कंप्लीट हुआ, आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।